गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग साइकिल इज। इस साइकिल प्रोसेस में ये जो सिस्टम है वो हीट कितना रिजेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये साइकिल प्रोसेस है। साइकिल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या देता है, एरिया क्या देता है, ये देता है वर्क डन। चूंकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जैसे नेगेटिव। और क्या सीखते हैं कि साइकिल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, वो होता है जीरो। साइकिल का वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन जो होगा इसका वो होता है एरिया, यानी एरिया कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई कितना है, 3b-b, यानी यह 2b, और ये कितना हो जाएगा, p-2p-p हो जाएगा, p यानी हो जाएगा 2pb। चूंकि एरिया, ये जो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लगाते हैं। तो फर्स्ट लॉ से थर्मोडायनेमिक क्यू इक्वल टू होता है, यानी जो सिस्टम को जो हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चेंज होता है। चूंकि साइकिल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो, यानी डेल्टा क्यू हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये दे रखा है -2pb। माइनस वो दिखा रहा है कि सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, उल्टे सिस्टम जो है हीट रिजेक्ट कर रहा है।